हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कहानी के साथ आवाज़ और पिक्चर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे स्टोरी बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, हम वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस के बारे में सीख चुके हैं, जिसमें हमने वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा के बारे में जाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सकेंगे। तो बच्चों, हमने देख लिया था कि किस तरह से हम इमेज कैप्चर कर सकते हैं। अब हम इमेज और फोटो को ऑडियो फाइल के साथ जोड़ना और डिजिटल स्टोरी बनाना सीखते हैं। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है ओपन शॉट वीडियो एडिटर। और मैंने आपसे कहा भी था कि अगले वीडियो में आपको ओपन शॉट वीडियो एडिटर के बारे में बताऊंगा। तो टाइम आ गया है, हम ओपन शॉट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। तो आप सभी को पता है कि ये फ्री है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये कहाँ से मिलेगा हमें? हमें नेट पे फ्रीली मिल जाएगा। तो चलते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, और वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जस्ट मैंने लिखा डाउनलोड ओपन सोर्स एडिटर, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ गया है। ध्यान रखना आपको फर्स्ट लिंक जिसमें लिखा हुआ ओपन सोर्स .org, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ओपन सोर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसका नाम होगा ओपन सोर्स .org। इसमें आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा विंडोज 64-bit इंस्टॉलर। आपका अगर सिस्टम 32-bit है तो ये वाला इंस्टॉल करें, और 64-bit है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 131 MB का ये सॉफ्टवेयर है। जैसे डाउनलोड होता है तो मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कंप्लीट होने वाला है। ये डाउनलोड स्पीड आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करती है। यदि आपका कनेक्शन अच्छा है तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो आपको वेट करना होगा। स्टूडेंट्स, हम हमारे वीडियोस में आपको प्रत्येक टॉपिक को कम्प्लीटली प्रैक्टिकल करके बताते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आए और प्रैक्टिकल आप खुद करके देखें कि ये कैसे किया जाता है। इस तरह के वीडियोस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, केवल हमारे पास ही मिलेंगे। तो चलिए, कंप्लीट होने वाला है। जैसे कंप्लीट होता है हम इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। 10 seconds लेफ्ट। और ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस पर क्लिक करते ही ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, ओके कर दें। इसके बाद ये एग्रीमेंट है, ये हमें एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये हमारी लोकेशन है, ऑलवेज ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज रखते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसमें हम क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप क्लिक कर देते हैं, और एसोसिएट वीडियो एडिटर विद, ये एक वीडियो एडिटर के साथ .osp फाइल एक्सटेंशन एसोसिएट कर देगा, और एड एन एक्सेप्शन इन विंडोज फायरवॉल में इसको आप टिक रख भी सकते हैं, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं। हम तीनों ऑप्शन टिक कर देते हैं। इंस्टॉल, कुछ ही सेकंड्स में
ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, आप देख रहे हैं। अगर इस इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आपको वीडियो में इस वेबसाइट का लिंक भी दे दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट जा करके इसको गूगल पे सर्च ना करना पड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है और ये कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसमें आगे काम करना शुरू करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में 1 से 2 मिनट आपको मैक्सिमम लग सकती है। ये फिनिश हो गया, अभी हम इसको टिक नहीं करेंगे और ये इसको अनचेक कर देंगे और फिनिश। तो स्टूडेंट्स, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इंस्टॉलेशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे कंप्यूटर पे ओपन सोर्स वीडियो एडिटर इंस्टॉल हो गया है। देखते हैं इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। हमने कहा था कि वीडियो का एक सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट बना दें, तो ये सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बन गया है। यहाँ से हम इसको रन करेंगे। इससे पहले चलते हैं बुक पे। आओ बच्चों, इन इमेज को क्लिक करने के बाद हम इनको ओपन सोर्स वीडियो एडिटर के मदद से ऑडियो फाइल के साथ जोड़ना सीखते हैं। मैडम बता रही है आपको, कुछ इमेज और साउंड फाइल हम इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। ओपन सोर्स वीडियो एडिटर की मदद से वीडियो स्लाइड शो बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, इंस्टॉल होने के बाद में इस तरह का आपको शॉर्टकट मिलेगा। ये ओपन सोर्स वीडियो एडिटर का शॉर्टकट है। इस पर डबल क्लिक करने से आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, ओपन सोर्स वीडियो एडिटर का उपयोग करने के लिए हमको कंप्यूटर डेस्कटॉप पर मौजूद ओपन सोर्स वीडियो एडिटर के आइकन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें आपके सामने 10 पॉइंट्स को दिखाया हुआ है। ये 10 पॉइंट क्या क्या हैं, इनको हम 1 by 1 समझेंगे। चलिए पहले हम हमारे कंप्यूटर पे ओपन सोर्स को रन करते हैं। ये डबल क्लिक किया, बच्चों फर्स्ट टाइम हम ओपन सोर्स वीडियो एडिटर हमारे कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय ये ले सकता है। दूसरे टाइम ये इतना समय नहीं लेगा। सेकेंड टाइम जब हम रन करेंगे इसको तो इतना समय नहीं लेगा। तो देखिए बच्चों, ओपन सोर्स वीडियो एडिटर रन हो गया है। एक वेलकम मैसेज है हमारे पास, इसको हम हाइड ट्यूटोरियल कर देते हैं। ये हमारे पास ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब प्यारे बच्चों, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, प्रत्येक चीज को समझेंगे, उसके बाद इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बुक पे, एक एक चीज को इसमें समझते हैं। ये बुक, ये चित्र आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहीं से इसे समझते हैं। तो एक नंबर पे है सारे बच्चों, इसमें टूल बार। ये टूल बार की मदद से हम यहां पे काम करेंगे। देखिए टूल बार है, इसमें इमेज और अन्य फाइल को इंपोर्ट करने के ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। यहां से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, कोई भी इमेज को जोड़ सकते हैं, वीडियो को जोड़ सकते हैं, वो सभी ऑप्शन इसमें मिलेंगे। नंबर 2 पे है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 पे
स्टूडेंट्स यहाँ पे इफेक्ट के पास में दिया हुआ है, इफेक्ट और ट्रांजिशन, जो हमें वीडियो में कुछ स्पेशल इफेक्ट दिए जाते हैं जिससे वीडियो और आकर्षक लगता है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद रहेंगे। वहाँ से हम हमारे वीडियो पे इफेक्ट दे सकते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है प्रोजेक्ट फाइल विंडो, इसमें आप विभिन्न वीडियो क्लिप और अन्य फाइल का उपयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल विंडो, ये प्रोजेक्ट फाइल विंडो नंबर 2 पे दिखाई गई है, ये प्रोजेक्ट फाइल विंडो है। इसके बाद चलते हैं नंबर 3 पे और देखते हैं नंबर 3 पे क्या है, फिल्टर टैब। इसका प्रयोग फाइल को उनकी टाइप्स के अनुसार लगाने के लिए किया जाता है, मतलब फाइल किस किस टाइप की है उसके हिसाब से हम यहाँ फिल्टर टैब में उनको फिल्टर कर लेंगे। यदि इमेज फाइल है तो इमेज फाइल यहाँ आ जाएगी, ऑडियो फाइल इसमें आ जाएंगी, वीडियो फाइल आ जाएगी, और सभी फाइलों को एक साथ देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके दिया हुआ है 3 नंबर पे, फिल्टर टैब। इसके बाद नंबर 4 पे है प्रीव्यू विंडो। प्रीव्यू विंडो को हम आउटपुट विंडो भी कह सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो बनने के बाद किस प्रकार नज़र आएगा, ये हमारी प्रीव्यू विंडो है, ये वाली विंडो। जब हम वीडियो जो भी बनाएंगे, एडिटिंग करेंगे, उसका प्रीव्यू यहाँ नज़र आएगा। 5th नंबर पे है एडिट टूल बार। एडिट टूल बार में इसका उपयोग इमेज या फाइल को कॉपी, मूव या रिसाइज करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स 5th नंबर की एडिट टूल बार यहाँ दी हुई है। इस एडिट टूल बार में आपको किसी फाइल को रिसाइज करना है, एडिट करना है या मूव करना है इधर से उधर, उसके ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे एडिट टूल बार में। इसके बाद है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में आप यहाँ पे आपकी स्लाइड्स को जूम करके देख सकते हैं, आपके ट्रैक को जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जूम स्लाइडर मिलेगा। ये इसका प्रयोग, जूम स्लाइडर का प्रयोग इमेज को जूम यानी छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइमलाइन नंबर 7 पे फाइनल इमेज को रखा जाता है और फाइनल वीडियो बनाया जाता है। टाइमलाइन पे हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो कितना बड़ा है और इस कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट किस किस समय डालने हैं, ये हमें टाइमलाइन से पता चलते हैं बच्चों। ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन दी हुई है आपके, देखिए यहाँ पे 15 सेकंड का, 30 सेकंड, अगर यहाँ तक आ जाते तो 1.5 सेकंड का हो जाएगा। इस तरह से टाइमलाइन आपको पता चलता है। आपको मान लीजिए 1 मिनट 15 सेकंड पे कोई इफेक्ट डालना है तो आप इजी उसको यहाँ प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रैक, यहाँ पर फाइल को रखा जाता है। ये ट्रैक है, ट्रैक 1, 2, 3, 4, इस तरह से यहाँ ट्रैक आ जाएंगे, इस पर फाइल को रखा जाएगा। यहाँ पे हम इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इन सभी को रखेंगे और फिर रन करेंगे। नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम अपनी फाइल को सेलेक्ट करके उपयोगी डेटा को फिल्टर यानी अलग कर लेते हैं। फाइल को सेलेक्ट करके उसमें उसे उपयोगी डेटा को अलग कर लेते हैं, 9 ऑप्शन 9 में, ये फिल्टर में, यहाँ पे ये फिल्टर टैब है और ये फिल्टर ऑप्शन है 9। ठीक है, 3rd नंबर पे हमने फिल्टर टैब देखा था और 9th ऑप्शन पे फिल्टर का ऑप्शन है, जिसमें हम उपयोगी डेटा को अलग कर लेते हैं फाइल में से। और अंत में है प्ले बटन। प्ले बटन की मदद से बनाए गए वीडियो को रन किया जाता है और देखा जाता है कि वीडियो किस प्रकार का बना है, और ये कहाँ दिखेगा, प्रीव्यू विंडो में, जो ऑप्शन 4 पे दिखाई गई थी, प्रीव्यू विंडो। तो आपके पास नंबर 10 पे है प्ले बटन, ये प्ले पॉज करने के बटन है, इनसे आपको वीडियो जो बना है वो यहाँ से यहाँ पर नजर आएगा प्रीव्यू विंडो में। तो बच्चों ये सभी 10 ऑप्शंस हैं आपके
वीडियो एडिटर को समझने में आपकी मदद करेंगे। इनके सहायता से ही आप आगे के वीडियोस एडिट करके देख सकते हैं, एडिट कर पाएंगे। यदि ये आपके समझ में नहीं आएंगे तो आप आगे काम नहीं करेंगे। इसलिए यदि ये आपके समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखें और फिर आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के हम स्टोरी रिकॉर्ड करके इसमें लेके आएंगे, एडिट करेंगे, वीडियो डालेंगे और उसमें इफेक्ट भी देंगे, वन बाय वन करके हम सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।